यहाँ मेरे पास बॉस का एक प्लानर मशीन है जिसको रंदा मशीन भी बोलते हैं, GHO 26-82D। पहले GHO 26-82 आता था, डी वाला अभी आया, यानी डेडमैन स्विच है। और इसमें आप इसका सिस्टम सब देख सकते हैं, मशीन के लुक में थोड़ा सा फ़र्क है, अदरवाइज मशीन बढ़िया है और पहले से कुछ सस्ता भी हो गया है मेरे ख्याल से अप टू 10% तक। तो जो पहले जो आप 2682 मशीन खरीदते थे बॉस का, उसकी जगह पे ये देखिए एक ये बैग नहीं है, इसको ओपन कर लेते हैं। ये डस्ट कलेक्ट करने के लिए वारंटी कार्ड और ये, और मशीन को ये ओपन करते हैं, इसके साथ क्या क्या देख लेते हैं। एक पैरेलल गाइड था उसमें, और साथ में वारंटी कार्ड वगैरह आता है, बुकलेट आता है। और ये मशीन का लुक है, यहाँ पे मैं विजुअल लुक ही दिखाऊंगा, मशीन चला के नहीं दिखाऊंगा। और मैं बॉस के कोथराइज सर मतलब डीलर के पास हूँ, तो वहीं पे मैं इसको अनबॉक्स करवाया मैंने। ब्लेड तो और इसमें देख रहे थे कि नया मशीन जो GHO 2682 है वो कैसा दिखता है। अच्छा, इसमें देखिए इसमें ब्लेड एक ही लगता है, पतला वाला यूज एंड थ्रो ब्लेड। और एक ब्लेड होने के कारण क्या कि ब्लेड का कंजप्शन भी कम होता है। और इस ब्लेड में आपको ब्लेड धार नहीं लगाना पड़ता, ये सबसे अच्छी बात है। तो ब्लेड का एंगल मेंटेन रहता है और आपको परफॉर्मेंस एंड कटिंग बहुत अच्छा मिलता है। एक बार में एक ब्लेड लगेगा, आपको दिखाते हैं ये इस तरीके से। ये इसका पार्ट नंबर वगैरह डिटेल ये सब लिखा हुआ है, ये भी दिया ना चेंज करने के। ये यहाँ से आपको डस्ट का, आप लेफ्ट हैंडी और राइट हैंडर है, तो यहाँ पे डस्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ताकि जिस तरफ आप खड़े हो उस तरफ डस्ट ना आए। तो ये आपके ऊपर है, देखिए वो जो मैं प्लग आगे पीछे कर रहा हूँ, रिवर्स फॉरवर्ड उससे हो जाएगा, ये दोनों तरफ से निकल सकता है। और आप वो बैग भी लगा सकते हैं जो मशीन के साथ है। ये पार्किंग शू है रेड वाला, ताकि हम चलते हुए मशीन कभी रख दें नीचे तो ये मतलब जॉब को ना कटिंग ना कर दे, क्योंकि मशीन रखने के थोड़ी देर बाद ऑफ करने के बाद थोड़ा सा घूमता रहता है उसका ड्रम, इसी तरह एक बार में घूम जाता है। तो ये उसका 5-6 mm तक जाता है, अभी मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे जो डेप्थ कटिंग डेप्थ यहाँ पे मेंटेन होता है। और तो पहले क्या होता, देखिए इसमें ये इस तरीके से मैं घुमाने से आगे पीछे होता है, देखिए ये बिल्कुल अंदर हो गया। हाँ, ये भी एक एडवांटेज है। इसमें ये खास बात क्या है, थोड़ा इनोवेटिव वे है, ये आगे पीछे होके ये नीचे जाता है। दूसरे में क्या होता है कि गैस्किट जैसा कुछ लगा रहता है जिससे अंदर दब जाता है, ये ज़्यादा प्रिसाइज और बढ़िया होगा। लुक में फर्क था या कुछ? और 26-82 इसलिए है क्योंकि ये 2.8 mm तक का डेप्थ कट ऑफ मतलब डेप्थ लगा सकता है कट, तो 2.8 mm बहुत होता है, 2.6 mm सॉरी, इसलिए 26 है, 26 2.6। ये अलग से नहीं आया, तो ये अच्छा चीज़ है। और ये बोल रहे थे कि इसमें क्या है कि ये वाला पार्ट बॉडी के साथ अगर कभी मतलब ख़राब हो जाएगा तो बॉडी के साथ लेना पड़ेगा। तो कैमरा थोड़ा बात करते करते आगे पीछे हो रहा है, सॉरी। इसके साथ में यहाँ पे कुछ सामान पैरेलल गाइड वगैरह दिया हुआ है, ताकि किसी जॉब के पैरेलल आप इसको काम कर सकते हैं। ये साथ में दिया हुआ है एडाप्टर, ताकि डस्ट का डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं, नीचे जाए ऊपर जाए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यहाँ पे कुछ उसका डिटेल है, जैसे ये 770 वाट का है, 710 वाट का सॉरी, 2.6 mm कटिंग डेप्थ है। और इसका पुराने से कंपैरिजन भी देख लेते हैं किस तरीके से। तो पुराने से ये 1800 जो इसका जो फ्री लोड स्पीड है ये ज़्यादा है, इसका वेट भी थोड़ा ज़्यादा है। तो ये मशीन किसी भी मामले में पुराने से कम नहीं है और सस्ता भी है। थैंक यू सो मच।